मैं जानता हूँ खावर भाई तो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। प्लीज तुम करते ना। शर्मिंदा मत करो शानी। और तुम्हें खावर की परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अब मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। समझ नहीं आता कि खावर भाई का रवैया इतना अजीब क्यों है। शानी दरअसल खावर ने एतराफ कर लिया है कि सजीला को हरास करने का प्लान खावर का अपना था। शानजे इस बारे में कुछ नहीं जानती। झूठ बोल रहे हो। भला उनको क्या जरूरत है शानजे की परवाह करने की। शानी अपना दिल शानजे की तरफ से साफ कर लो। और रहा जवाब तुम्हारे इस सवाल का कि खावर को क्या जरूरत थी तो उसका जवाब मेरे पास है। जिस तरह शानजे ने हमेशा हमारी मदद की है, हमारी हर ख्वाहिश का ख्याल रखा है, उस तरह खावर ने शानजे से मदद मांगी थी। ये जो डिपार्टमेंटल स्टोर है ये शानजे ने लेके दिया है खावर को। क्या? शानी प्लीज अब इस बात पे शानजे से उलझना मत। खावर ने मदद मांगी थी और शानजे ने कर दी जिस तरह हमेशा वो हमारी मदद करती है। उसने सिर्फ खावर की मदद ही नहीं की बल्कि उसे वादा भी लिया है कि वो मुझे खुश रखें। और शानजे के इस एहसान के बदले में खावर ने सजीला को हरास करने वाली एक घटिया हरकत किया। शानी चलो शानी बेटा तुमने अच्छी तरह सोच लिया है। बहुत बड़ा फैसला है ये। सोच लिया मैंने अम्मी। इससे पहले कि वो कोई फैसला ले बेहतर होगा कि मैं फैसला कर लूं। शानी बेस्ट ऑफ लक। सॉरी शांसी। It's okay. दिल के हाथों मारे तेरे दर पे आए तेरे लिए अपनी दुनिया पीछे छोड़ रहे। ऐसा नहीं था पहले जो आज हो गया है। इश्क है तेरा सर पे या कोई दुआ है। इश्क आशिक की दवा गम हो जाए
जाओ सजीले, चाय ले करो। सजीला, चाय अभी रहने दो, बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। न जाने मैंने तुम्हें क्या क्या कह दिया, मुझे माफ कर दो। आपकी गलतफहमी दूर हो गई पप्पो, यही काफी है। आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। फरजाना, बताओ फिर कब सजीला को रुखसत कराने आओ? जब फैसला हो ही गया है तो जब चाहे आ जाए। तुम खुश तो हो ना? और कोई चारा भी तो नहीं है। आप परेशान ना हो मान, सजीला को कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। शांजे और सजीला को बिल्कुल अलग अलग लिखो। अगर शांजे के साथ भी रही तो खुश रहेगी, कोई मसला नहीं होगा। नहीं अम्मी, मैंने सजीला को कहा है कि रुखसती के बाद मैं उसको अलग घर लेके दूंगा। बेटा, जो मर्जी हो वो करो, बस एक बात का ख्याल रखना, मेरी सजीला को कभी अपने फैसले पर पछताना ना पड़े। आप फिक्र ना करें मां, ना आपको ना सजीला को जिंदगी में कभी कोई पछतावा नहीं होगा। क्या किया हाँ प्यार के काबिल कर दिया, ए यार तूने ये क्या किया, हाँ प्यार के काबिल कर दिया। नादिया, ये सब क्या है? जा रही हूं मैं यहां से। कहां? वही जहां आप मुझे भेजना चाहते थे। मैं कहां भेजना चाहता था, पागल हो गई हो? रखो ये सब। इस जुम्मे शादी है शानी और सजीला की, जाहिर सी बात है एक बार उनकी शादी हो जाएगी तो आपको मेरी जरूरत रहेगी नहीं, है ना? इससे पहले कि आप फैसला करें मुझे यहां से धक्के देके निकालने का, मैं खुद ही चली जाती। देखो, वो सब शानी को मैंने दिल से थोड़ी कहा था, वो सिर्फ उसको रोकने के लिए कहा था। शर्म तो नहीं आई होगी आपको अपनी बीवी के बारे में इस तरह बात करते हुए? बीवी इंसान नहीं होती ना, मलकियत होती है जिसे जब चाह उठाया और मैके जाके फेंक दिया। अच्छा, गलती हो गई, मेरी बाकी गलतियों की तरह ना ये गलती भी माफ कर दो, मैं शानी से भी सॉरी कर लूंगा, बस तुम जाओ मत। खबर जिसके बारे में इतनी आसानी से कह दिया जाए ना कि उसे आप घर से निकाल देंगे, तो फिर हिम्मत भी रखें, अपने फैसले पे कायम रहें आप। नहीं नहीं हिम्मत, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, रखो इधर। हटें। ठीक है। थक गया हूँ।
थक गया हूं दूसरों की खातिर कुर्बानी देते देते, सबके सुख की खातिर अपने आप को कुर्बान करते करते थक गया हूं। जब भी अपनी खुशी की बात की, सबने यही कहा कि मैं खुदगर्ज मतलब ही बेहस हूं। रिश्ते ने मुझे यह एहसास दिलाया कि मुझे अपनी मर्जी से जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। मेरी बहन, मेरा भाई, मेरी माँ सब मुझसे कुर्बानी मांगते रहे, और तुम तो अपनी मोहब्बत में बहुत मान था ना शान से, अगर मोहब्बत करती तो मेरी मुश्किलों को आसान करती। इस तरह खावर के साथ मिलकर सजीला के खिलाफ प्लानिंग तक मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, कभी माफ नहीं करूंगा तुम्हें। शानी प्लीज, प्लीज शानी सच कह रही है, इसमें इसका कोई कसूर नहीं है। प्लीज अब तुम्हारी खुशियां बहुत अजीज है, सब मत सोचो प्लीज। नहीं है खुशी अजीज, हर कोई मफाद परस्त है यहाँ, सबको अपनी खुशी अजीज है। कुर्बानी मांगना जानते हो, कुर्बानी देना कोई नहीं जानता। खुदा का वास्ता मुझे मेरी मर्जी से जीने दो। मैं इंसान, एक चलता फिरता आदमियों की मोम का गुड्डा नहीं हूं जिसको जब जी चाहा अपनी मर्जी से मोल्ड कर लिया। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। हाँ, मुझसे नहीं कहा, लेकिन सारी दुनिया में जो दुहाइयां देती फिर रही हो कि मैं खुश नहीं हूं, खुश नहीं हूं, ऐसा खुश रह सकता हूं मैं? आपकी खुशी चाहना भी आपकी नजर में मेरी गलती है। बस कर दो यार, बंद कर दो फिलॉसफी। दूसरों की दुखों की परवाह करते करते तो यहां तक पहुंच गया हूं। सारी दुनिया रश करती होगी मुझ पर, लेकिन कोई नहीं जानता कि अंदर से खोखला हो गया हूं मैं। ये आसाइशें हैं, ये नेमत है, ये आराम, ये सुकून, ये इज्जत, कहने को सब कुछ मिल गया, लेकिन अंदर से बिल्कुल खाली हो गया हूं मैं। पता है, मुझे लगता है कि ये सारे रिश्ते खोती है। नफरत होने लगी है मुझे अपने आप से, लगता है बनावटी जिंदगी गुजार रहा हूं। तो शान से बहुत अच्छी है, बहुत ख्याल करती है मेरा, मेरे हर दुख हर सुख को समझती है, लेकिन लेकिन अम्मी मैं मुद्दतें हो गई दिल से हंसा नहीं हूं। छोड़े गए फैसले बेटा बासफा पछतावा बन जाते हैं। आपके लिए मेरी खुशी है ना डैड, एक वादा करो मुझसे, जिंदगी में कभी भी तुम्हें कोई मुश्किल आई या शानी की तरफ से कोई परेशानी आई तो तुम मुझसे या अपनी मां से जरूर शेयर करोगी। इसी तरह सोचती रहोगी तो एक ना एक दिन अपने फैसले पे पछताओगी। आप क्यों चाहती हैं कि मेरे पछतावे का सफर अभी से शुरू हो जाए? मैं तो तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही हूं तुम्हारे पछतावे से। शानी सिर्फ उसको अपनाएगा जिससे वो मोहब्बत करता है। इसे मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि फुप्पू कैसे मान गई। नादिया की भी कॉल आई थी मुबारकबाद के लिए,
कह रही थी आऊंगी तुमसे मिलने। बस समझो कि वक्त हमारे हक में बेहतर हो गया, दुनिया वालों को रहम आ गया। ये दुनिया वालों से क्या मुराद है तुम्हारी? छोड़ो इन बातों को, तुम तैयारी करो मेरे साथ रुख्सत होने की बस। अच्छा मैं बता रही हूँ तुम्हें, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी उस आलीशान मकान में। फिर वही बात, सजीला में शांजी को कभी भी तुम उसकी फिक्र ना करो, वो मैं मैनेज कर लूंगी प्यार से। प्यार की मार से बता रही हूँ, पहले से टिकने नहीं दूंगी, दिनों में चलता करूंगी उससे। नहीं सजीला, अगर वो ना चाहती ना तो हमारे साथ कभी मुमकिन नहीं होता। अच्छा, लेकिन मैं तो समझ रही थी कि हमारे साथ तुम्हारी मोहब्बत की वजह से। ये राज बताने का शुक्रिया कि हमारा साथ शांजे का एहसान है, जिसकी वजह से मुझे पूरी जिंदगी उसका एहसानमंद रहना पड़ेगा। मैंने कब कहा ऐसा यार? तुम यकीन रखो हमारी जिंदगी में शांजे कभी इंटरफेयर नहीं करेगी। वो होगी तो इंटरफेयर भी करेगी। यार बताया तो था तुम्हें, जो लड़का तुम्हारे पीछे आया था वो शांजे ने नहीं भेजा, वो था ही इसी तरह का प्रोफेशनल। लोगों को ब्लैकमेल करना, उनसे पैसे हथियाना उसका काम था, और वो वापस कभी नहीं आए। ट्रस्ट मी, मुझे कोई गर्ज नहीं उस लड़के से कौन था कौन नहीं था। शानी मैं बस इतना जानती हूँ कि शान से तुम्हारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जानी चाहिए। मत करो उससे इतनी नफरत, वो इतनी नफरत के काबिल नहीं है। वो तो तुम्हारे रहम और हमदर्दी के भी काबिल नहीं है। आपदा, शांजे कहाँ है? अभी उनको तो मैंने बाहर जाते हुए देखा था। जी बेगम साहबा, वो तो घर पर नहीं है। अच्छा अच्छा, वो आ जाएं तो उनसे कहना कि मैं जुगनू के साथ नादिया के यहाँ जा रही हूँ, शाम तक आएंगे हम। जी ठीक है, चलो चले चले। मैंने तुमसे कहा था ना कि शानी सिर्फ मेरा है और मेरे बगैर नहीं जी पाएगा। ख्याल रखना शानी का, बच्चों जैसा दिल है उनका। तुम उसकी फिक्र छोड़ दो, मैं जब चली जाऊंगी उसके पास उसका ख्याल रख लूंगी। ये क्या? तुमने कहा था ना कि शानी के शेयर्स उसके हवाले कर दूं, सो मैंने कर दिए। मैं जा रही हूँ हमेशा के लिए। कहाँ? तुम उसकी फिक्र मत करो। एक रिक्वेस्ट है तुमसे। शानी का नाम मेरे नाम के साथ जुड़े रहने देना, मेरे दिल को तस्कीन मिलती रहेगी। खुदा हाफिज़।
कहाँ हो तुम? जल्दी से आ जाओ, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। जल्दी आना, मैं वेट कर रही हूँ। खुदा हाफिज। से कहा था ना कि शानी सिर्फ मेरा है और मेरे बगैर नहीं जी पाएगा। ख्याल रखना शानी का, बच्चों जैसा दिल है उनका। तुम उसकी फिक्रें छोड़ दो, मैं जब चली जाऊंगी उसके पास उसका ख्याल रख लूंगी। तो अपनी मोहब्बत पे बहुत मान था ना शान से, अगर मोहब्बत करती तो मेरी मुश्किल को आसान कर। इस तरह खावर के साथ मिलकर सजीला के खिलाफ प्लानिंग कर करती। शानी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, यकीन करें। नीचे करने से मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, कभी माफ नहीं करूंगा तुम्हें। मोहब्बत में हार मान ली जाए तो संभलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तुम पे अगर ऐसा वक्त आया तो मैं तुम्हें संभाल लूं। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने बारे में सोचिए। अगर आप पर ऐसा वक्त आया तो आपको कौन संभालेगा? सोच लो, बहुत मुश्किल होता है अपनी मोहब्बत किसी से शेयर करना। अपनी मोहब्बत को वीरान देखते रहना उससे ज्यादा मुश्किल होता है। मैं आपको खुश देखना चाहती हूँ, आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। प्लीज हर कोई मफाद परस्त है यहां, सबको अपनी खुशी अजीज है। कुर्बानी मांगना जानते हो, कुर्बानी देना कोई नहीं जानता। वो सारी बातें इसलिए करिए ताकि आप मुझसे बोल सकें। शट अप। शांति बीबी सारा सामान रख दिया। ख्याल रखना अपना। बीबी जी, क्या आप हमेशा के लिए जा रही हैं? दुआ करना कि मैं इस फैसले पे हमेशा कायम रह सकूं। अफरा तफरी मचाती हो कि हाथ पैर फूल जाते हैं। क्या हुआ, खैरियत तो है? क्यों बुलाया? एक बात करनी थी। बोलो। आई लव यू। क्या हुआ, अच्छा नहीं लगा सुन के?
सारी जिंदगी जो बात सुनने के लिए मेरे कान तरसते रहे, आज पहली दफा तुम्हारी जबान से सुना है तो मुझे यकीन नहीं आ रहा। तो समझो पहली बार तुमसे मोहब्बत हुई। क्या मतलब पहली बार? वो हमारा बचपन का साथ, वो सारे दिन जो हमने साथ गुजारे, वो सब कुछ। शानी तुम बहुत अच्छे हो कि तुम्हें आज तक एक बात समझ नहीं आई, एक लड़की को जिंदगी गुजारने के लिए मोहब्बत के दावे नहीं, एक मजबूत साथ चाहिए होता है। लेकिन इस बात को सोचने के लिए दिमाग चाहिए होता है। तुम्हारे दिमाग में तो हमेशा मोहब्बत का भूत सवार रहता था, नहीं? शानी मोहब्बत मोहब्बत ना कुछ नहीं होती, जब पैसे नहीं होते ना तो महबूब का ये चांद जैसा चेहरे से भी ना घिन आने लगती है। मोहब्बत के लफ्ज कराया था सच बात बताओ, तुम आज मुझे पहली बार मोहब्बत के काबिल लगे। आज क्यों? आज ऐसा क्या हुआ है? आज वो चली गई है शान से। जो तुम नहीं कर सके वो मैंने कर दिखाया। क्या हुआ समझ नहीं आई? एक सेकंड। मैंने कहा था उससे कि मोहब्बत कुर्बानी का नाम है, अब मोहब्बत के दावे करती हो तो शानी को उसके शेयर दे दो और चली जाओ उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए। पता उसने क्या कहा? उसने कहा मैं जा रही हूं हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से। वो हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से जा रही है शानी। वो क्या समझती थी कि पैसों से तुम्हें अपना गुलाम बना के रखती जिंदगी भर? क्या हुआ तुम्हें खुशी नहीं हुई? उसके कैद से रिहा हो गए हो शानी, उसके कैद से रिहा हो गए हो। वो क्या समझती थी कि अगर वो नहीं जाती तो क्या मैं उसको टिकने देती? अच्छा वो मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ी, कम से कम जान भाग। शान से बोलो काय शान से। चीफ क्यों रहे हो? मुझे क्या पता? वैसे शान हमें क्या परवाह, मरती है तो मरे वो। हसद और लालच में लथड़ा हुआ तुम्हारा असली चेहरा मेरे सामने आया है तो आ गया हूं मैं होश में। मैं कितना बदकिस्मत था कि तुम जैसी लड़की की खातिर मैंने शान से जैसी लड़की की कदर नहीं की। दिमाग खराब हो गया ना? हाँ मैं हूं तुम्हारी मोहब्बत, समझे? तो मेरी मोहब्बत झूठ लालच फरेब और हसद में लिपटी हुई एक जिंदा लाश के सिवा कुछ नहीं हो तुम। सजीला नफरत है मुझे तुमसे, नफरत है मुझे तुम्हारी शक्ल से। खबरदार मेरी जिंदगी में तुमने दोबारा कभी आने की कोशिश की तो। दिल के हाथों मारे तेरे दर पे आए तेरे लिए अपनी दुनिया पीछे छोड़ रहे। ऐसा नहीं था पहले जो आज हो गया है, इश्क है तेरा सर पे या कोई दुआ है, इश्क लाशिक की दवा।
शांजे कहाँ हैं सब लोग? बेगम साहिबा और जुगनू भाई तो नादिया बाजी की तरफ गए हैं और शांजे भी कहाँ हैं? शांजे शांजे बीबी तो चली गई है, आज उनकी फ्लाइट थी, अभी कुछ ही देर पहले निकली है। जिस दिन उसकी मोहब्बत को समझ लोगे ना, अपना असली चेहरा छुपाने की जरूरत नहीं होगी तुम्हें। आपको नहीं लगता कि आप मेरे बारे में कुछ ज्यादा एक्सट्रीम पर सोच रही हैं? जब तुम मोहब्बत करोगे तो मेरी मजबूरी को समझ जाओगे। मोहब्बत करते हो तुमसे? सच्ची मोहब्बत करने वालों के लिए जान भी दी जा सकती है, क्योंकि इस दुनिया में सच्ची मोहब्बत बहुत मुश्किल से मिलती है। मेरे अख्तियार में होता तो अपनी जान दे के साबित कर दी थी कि मेरी हर चीज पर सिर्फ आपका हक है, मेरी रूह पर भी, मेरी सांसों पर भी। ऐसी मोहब्बत गले का तौक और जान का रोग हो जाती है शानी, उसकी कद्र करो जो तुमसे मोहब्बत में इतनी अजियत उठा रही है जैसे तुम सजीला के लिए उठाते हो। बहुत मुश्किल होता है अपनी मोहब्बत किसी से शेयर करना। अपनी मोहब्बत को वीरान देखते रहना उससे ज्यादा मुश्किल होता है। आपको हासिल करने के लिए ना ही मैंने किसी का इस्तेमाल किया और ना किसी को यूज। आपसे मोहब्बत की है मैंने, सच्ची और खरी मोहब्बत। तुम्हारा मेरे साथ होना इस बात का यकीन है कि मोहब्बत अपना आप बनवा लेती है। तुम्हारे साथ के यकीन ने मुझे ही नहीं, मेरी जिंदगी को भी खूबसूरत बना दिया है। मैं इस काबिल नहीं हूं जहां तुमने मुझे बिठा रखा है। यकीन कर लो शानी, खुदा ने तुम्हें मेरे लिए बनाया है, तुम इसी काबिल थे जहां तुम आज हो। तुम्हारा मान ना रख सका तो तुमने मेरा हाथ थामा, मेरा साथ कबूल किया, तो समझो मेरा मान रख लिया तुमने। शांजे तुम्हें क्या लग रहा था मैं तुम्हें ऐसा रूठ के जाने दूंगा क्या?
से नाराज होकर नहीं जाएगी। दिल के हाथों मारे तेरे दर पे आए तेरे लिए अपनी दुनिया। मोहब्बत करने वाले रूठ के जाने की बात करें ना, जो रब नाराज हो जाए। मैं अपने रब को नाराज नहीं होने दूंगा, यकीन कर लो शान से, मैं वाकई तुम्हें दिल से लेने आया हूं। मैं जान क्या हूं आज, मोहब्बत सिर्फ वो नहीं होती जो हम करते हैं, कि असल मोहब्बत तो वो होती है जो हमसे की जाती है। चाहने से चाहे जाना ज्यादा बड़ी नेमत होती है। मैं आज तक इस नेमत को डिसऑन करता आया, लेकिन आज पहली दफा ऑन कर रहा हूं। ये तुम्हारी जरूरत है शान से, ये तुम्हारी बहुत जरूरत है। मैं जिस शराब के पीछे आज तक दौड़ता आया हूं ना, वो तो फरेब था, धोखा था। छोड़ आया उस धोखे को, निकल आया उस फरेब से। आज के बाद मैं तुमसे हमेशा वैसे ही मोहब्बत करूंगा जैसे हमेशा तुमने मुझसे की। और हाँ, एक बात तो तुमसे कहना भूल ही गया था मैं, इश्क आशिक की दवा गम हो चाहे।